आज का कंपैरिजन होने वाला है दो प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस के बीच में। एक साइड है हमारे पास GS8 मैक्स स्मार्ट वॉच, सो दूसरे साइड है हमारे पास DT नंबर 1 मैक्स स्मार्ट वॉच। चलिए कर लेते हैं दोनों का कंपैरिजन एंड देखते हैं कौन सी स्मार्ट वॉच बेस्ट है। अगर मैं एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करूँ तो इस स्मार्ट वॉच में आपको वियर प्रो एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है। देन चलिए कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। बॉक्स के ऊपर होने के साथ हमें कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 500 प्लस फ्री वॉच फीसेस मिल जाते हैं इस स्मार्ट वॉच में। चलिए हटा लेते हैं इसके ऊपर की कवरिंग को एंड देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या एक्सेसरीज हमें मिली हैं। बॉक्स में सबसे पहले एक वायरलेस चार्जिंग केबल देखने को मिलती है एंड ओवरऑल लेंथ की बात की जाए तो काफी लॉन्ग लगी मुझे। देन सेकेंड नंबर पर हमें मिल जाती है स्मार्ट वॉच, चलिए रख लेते हैं इसको साइड में। नेक्स्टली हमें मिल जाता है बॉक्स में एक स्मार्ट मैनुअल जो हमारे किसी काम का नहीं है, सो चलिए इसे कर लेते हैं साइड। ओवरऑल DT नंबर 1 मैक्स के साथ जितनी भी एक्सेसरीज हमें मिली थी वो सभी मैंने आपको शो कर दी। देन चलिए कर लेते हैं GS8 मैक्स स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग। गाइस GS8 मैक्स सीरीज 8 की सबसे प्रेस्टीज एडिशन स्मार्ट वॉच है। यहाँ पर आपको प्रेस्टीज एडिशन का एक टैग भी मिल जाता है। उसी के साथ एप्लीकेशन सपोर्ट की बात कर ली जाए सो इस स्मार्ट वॉच में आपको वियर फिट प्रो एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है एंड ओवरऑल वॉच का जो साइज है वो है 45 mm। बैक साइड में आपको वॉच रेड कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। देन चलिए कर लेते हैं इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करते हैं इसके फीचर्स को। बॉक्स के ऊपर होने के साथ हमें मिल जाता है कि यूजर मैनुअल जो हमारे किसी काम का नहीं है, सो चलिए रख लेते हैं इसको साइड में एंड बात करते हैं इसके चार्जर की। सो यहाँ पर हमें एक काफी लॉन्ग वायरलेस चार्जिंग केबल का सपोर्ट देखने को मिलता है इस स्मार्ट वॉच के साथ, इसे रख लेते हैं साइड में। देन बात करते हैं अपने स्मार्ट वॉच की। फर्स्ट लुक में हमारी स्मार्ट वॉच मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट जरूर करना। ये थी इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस की अनबॉक्सिंग। देन चलिए कर लेते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के चार्जर एंड स्ट्रैप्स को कंपेयर। यहाँ सबसे पहले हम लोग रिमूव कर लेते हैं DT7 मैक्स स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले पर लगी हुई रैपिंग को। अगर मैं GS8 मैक्स स्मार्ट वॉच के चार्जिंग केबल की बात करूं तो इस स्मार्ट वॉच में आपको वायरलेस चार्जिंग केबल का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ अगर इसके अटैचमेंट की बात की जाए वॉच के साथ तो वो भी काफी परफेक्टली हो रही है, आप लोग देख सकते हो। चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो 1 आवर में आपकी स्मार्ट वॉच फुल्ली चार्ज हो जाएगी। देन अगर बात की जाए DT7 मैक्स स्मार्ट वॉच की, सो इस स्मार्ट वॉच में भी आपको वायरलेस चार्जिंग केबल का सपोर्ट मिलता है एंड ओवरऑल दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको सेम अटैचमेंट स्ट्रेंथ एंड चार्जिंग स्पीड देखने को मिलती है। दोनों स्मार्ट वॉचेस में आपको ब्लैक कलर के प्रीमियम सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलते हैं जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के एजेस की बात करूं तो सबसे बड़ी एज जो मुझे देखने को मिल रही है वो है DT7 मैक्स स्मार्ट वॉच की, और दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको सेंसर्स एंड स्पीकर्स वर्किंग मिलते हैं जिनका टेस्ट मैंने वीडियो में आगे किया है, आप चाहो तो देख सकते हो। So guys, ये था दोनों ही स्मार्ट वॉचेस का S2S कंपैरिजन। देन चलिए कर लेते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के वेट को कैलकुलेट। यहाँ सबसे पहले रख लेते हैं GS8 मैक्स स्मार्ट वॉच को वेटेड मशीन पर एंड कैलकुलेट करते हैं इसका वेट। गाइज यहाँ पर जो वेट निकल के आ रहा है वो है 46 grams। देन चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं DT7 मैक्स स्मार्ट वॉच के वेट को। यहाँ पर जो DT7 मैक्स स्मार्ट वॉच का वेट निकल के आ रहा है वो है 51 grams। सो गाइस इस हिसाब से GS8 मैक्स स्मार्ट वॉच एक लाइट वेटेड स्मार्ट वॉच है, आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करना। देन अब कर लेते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस का ऑन एंड ऑफ टेस्ट एंड देखते हैं कौन सी स्मार्ट वॉच कितना टाइम कंज्यूम करती है ऑन होने में। आप सभी लोग देख सकते हो GS8 मैक्स स्मार्ट वॉच को ऑन होने में बेसिकली 7 seconds का टाइम लगा। देन चलिए रख लेते हैं इसको साइड में एंड अब देखते हैं DT7 मैक्स कितना टाइम कंज्यूम करती है ऑन होने में एज कम्पेयर टू GS8 मैक्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हो DT7 मैक्स स्मार्ट वॉच को ऑन होने में बेसिकली 5 सेकंड्स का टाइम लगा एंड GS8 मैक्स स्मार्ट वॉच को ऑफ करने के टाइम यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें से फर्स्ट है शट डाउन, सेकेंड है रिस्टार्ट एंड थर्ड है इमरजेंसी कॉलिंग का। वॉच के शट डाउन होने के साथ हमें यहाँ पर गुड बाय का एक लोगो भी देखने को मिलता है। उसी के साथ अगर आप DT7 मैक्स स्मार्ट वॉच को अगर शट डाउन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको शट डाउन का ओनली एक फीचर मिलता है एंड वॉच के शट डाउन होने के बाद आपको किसी भी टाइप का लोगो भी देखने को नहीं मिलता। एंड अब हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के अंदर मिलने वाले नंबर ऑफ वॉलपेपर्स को। वॉलपेपर्स से पहले अगर मैं डिस्प्ले बेजल्स की बात करूं तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको ना के बराबर बेजल्स मिलते हैं बिकॉज दोनों ही स्मार्ट वॉचेस हमें फुल्ली एमुलेट डिस्प्ले के साथ मिलती है, जिस वजह से डिस्प्ले पर बेजल्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। नंबर ऑफ वॉलपेपर्स की
बात करूं तो GS8 Max स्मार्ट वॉच में आपको 5 इनबिल्ट वॉच फेसेस मिलते हैं। उसी के साथ वॉच को कनेक्ट करने के बाद आप 500 प्लस फ्री वॉच फेसेस भी यूज कर सकते हो। अगर मैं DT7 Max स्मार्ट वॉच की बात करूं तो इस स्मार्ट वॉच में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक फीचर मिलता है जो आपको नहीं मिलता GS8 Max स्मार्ट वॉच में। नंबर ऑफ वॉलपेपर्स की बात की जाए तो इस स्मार्ट वॉच में आपको 15 से भी ज्यादा इनबिल्ट वॉच फेसेस मिल जाते हैं। उसी के साथ वॉच को कनेक्ट करने के बाद आपको कस्टमाइज वॉलपेपर्स विद 500 प्लस फ्री वॉच फेसेस भी मिल जाते हैं। सो गाइस, ओवरऑल वॉलपेपर्स के मामले में इस टेस्ट के अंदर DT7 Max स्मार्ट वॉच विन करती है। देन अब हम कंपेयर करेंगे दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के अंदर मिलने वाले मेन्यू स्टाइल्स को। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने मेन्यू बार को ओपन कर लिया है एंड जैसे ही मैं क्राउन बटन को कंटीन्यूअसली स्क्रॉल करता हूँ वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। एंड अब मैं आपको इस स्मार्ट वॉच के सभी मेन्यू सेट्स फास्ट फॉरवर्डली शो कर देता हूँ। सो गाइस, ये थे इस स्मार्ट वॉच के सभी मेनू सेट्स जो मैंने आपको टोटली शो कर दिए। देन अब मैं आपको DT7 Max स्मार्ट वॉच के अंदर मिलने वाले सभी मेनू सेट्स फास्ट फॉरवर्डली शो कर देता हूँ। ये थे DT7 Max स्मार्ट वॉच के सभी मेन्यू सेट्स। देन अगर बात कर ली जाए कि कौन सी स्मार्ट वॉच में सबसे ज्यादा मेन्यू सेट्स है, सो उसका नेम है DT7 Max, बिकॉज इस स्मार्ट वॉच में आपको 11 इनबिल्ट मेन्यू सेट्स मिलते हैं। उसी के साथ अगर बात कर ली जाए GS8 Max स्मार्ट वॉच की, सो इस स्मार्ट वॉच में आपको 4 इनबिल्ट मेन्यू सेट्स मिलते हैं जो कि एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है दोनों स्मार्ट वॉचेस में। फाइनली अब हम दोनों स्मार्ट वॉचेस के मेन फीचर्स का कंपैरिजन करेंगे एंड देखते हैं कौन सी स्मार्ट वॉच में सबसे ज्यादा फीचर्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम GS8 Max स्मार्ट वॉच में सेंसर्स की एक्यूरेसी का टेस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने हार्ट रेट वाले फीचर को ऑन कर रखा है। सेंसर्स की एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने अपने बॉडी का कोई सभी पार्ट इन्वॉल्व नहीं किया है वॉच के साथ, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो बिना बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व किए ये स्मार्ट वॉच हमें हार्ट रेट शो कर रही है। सो इस हिसाब से इस स्मार्ट वॉच में सेंसर्स तो है बट एक्यूरेसी नहीं है। ओवरऑल वॉच में हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स है बट सेंसर्स एक्यूरेसी होने के कारण उनका कोई फायदा नहीं है। बट एक रीजन से ये स्मार्ट वॉच मुझे थोड़ी डिफरेंट लगती है, वो ये है कि इस स्मार्ट वॉच में आपको गेम्स का भी एक फीचर देखने को मिलता है। एंड नंबर ऑफ गेम्स की बात की जाए तो इस स्मार्ट वॉच में आपको 3 गेम्स मिलती है जो आपको नहीं मिलती DT7 Max स्मार्ट वॉच में। गेम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें स्नेक, सुडोको एंड डाइस रिलेटेड एक गेम मिल जाती है जो मेरे को बिल्कुल नहीं पता इसे कैसे खेलते हैं। एंड अगर आपको पता है कि इस गेम को कैसे खेलते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपके कमेंट को रिव्यू जरूर करूंगा। और इस स्मार्ट वॉच में आपको एक और इम्पोर्टेंट फीचर मिलता है जिसका नेम है शॉर्ट वीडियो कंट्रोल। इस फीचर के थ्रू आप अपनी स्मार्ट वॉच से अपने स्मार्टफोन में यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। देन चलिए बात कर लेते हैं DT7 Max स्मार्ट वॉच में मिलने वाले फीचर्स की। वैसे तो गाइस इस स्मार्ट वॉच में उतने ज्यादा खास फीचर नहीं है बट ओवरऑल जो एक्यूरेसी है सेंसर्स की वो एकदम करेक्ट है। और अगर आप इसके सेंसर्स की एक्यूरेसी का टेस्ट देखना चाहते हो सो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, वहां से आप फुल वीडियो देखकर चेक कर सकते हो। कुछ खास फीचर्स की बात की जाए सो इस स्मार्ट वॉच में आपको GPS नेविगेशन के साथ वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट मिलता है। देन इस स्मार्ट वॉच में आपको 20 से भी ज्यादा हेल्थ एंड स्पोर्ट्स मोड से रिलेटेड फीचर्स मिल जाते हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ, जो कि एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट लगा मुझे इस स्मार्ट वॉच में। फाइनली ये थे दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के कुछ मेन फीचर्स। देन चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे आप इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को परचेज कर सकते हो। इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली परचेज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।